ताला उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चपली कबाब। ये मेरे पास है मटन का कीमा, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर है, जिसको मैंने बीक पीस लिया है और धो के अच्छी तरह मैंने इसको छान लिया था, छाननी में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह निकला हो, बिल्कुल पानी नहीं इसमें होना चाहिए। अब इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो कुछ इस तरह हैं। नमक है हमारे पास हंसपे चाय का, लहसुन अदरक का पाउडर है हमारे पास 1 टेबल स्पून, बेसन हमारे पास है 2 टेबल स्पून लेवल, और अजवाइन है आधा टीस्पून से कम, गरम मसाला है हमारे पास आधा टीस्पून, लाल मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून, मोटा कुटा जीरा है हमारे पास 1 टीस्पून, मोटा कुटा हुआ धनिया है हमारे पास आधा टीस्पून, और हरी मिर्च का पेस्ट है हमारे पास आधा टीस्पून। अगर मेरे पास साबुत हरी मिर्चें नहीं थी जिसकी वजह से मैं पेस्ट डाली हूँ, अगर आपने साबुत डालें तो 2 अदद उनको ब्रीक ब्रीक काट लें। 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया और उसका पानी अच्छी तरह निकाल लिया है। 1 अदद अंडा है जिसको मैंने कुक कर लिया है और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए, और 2 अदद टमाटर हैं जिसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है और उसके बीज को निकाल दिया है क्योंकि इसके बीजों में ही ज़्यादा पानी होता है, बीज बिल्कुल नहीं डालते, और 1 अदद अंडा जाएगा। चलें अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, फिर अंडा, कीमा, ये देखिए मेरे आपको नज़र आ रहा होगा मेरे कीमे में बिल्कुल पानी नहीं है, और ये तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसको चला देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चॉपर को चला देंगे, हरी मिर्चों की पेस्ट भी डाल देंगे, और टमाटर भी डाल देंगे हम, अब हमने हरी मिर्चें डाल दिए हैं, अब हम पेस्ट को चलाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि कसूरी मेथी भी आपने इसमें ऐड करनी है, तकरीबन 1 टीस्पून। अब अंडे को भी अच्छी तरह फैन के वो इसमें ऐड कर देंगे। अब दोबारा से करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप जितना भी अच्छी तरह पीसेंगे उतने ही अच्छे हमारे चपली कबाब बनेंगे और पीसेंगे भी। अब ये हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। आज अच्छे तरह धोए हुए होने चाहिए। आप इसमें अनारदाना भी तकरीबन आधा टीस्पून डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे घर वाले अनारदाना नहीं इतने शौक से खाते इसलिए मैंने नहीं इसमें डाला। अगर आप अनारदाना नहीं डालना चाहते तो आप इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं, यानी काम। अब हम इसको थोड़ी देर इसको ऐसे ही परा रहने देंगे, आधा घंटा या 1 घंटा, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। 1 घंटा हो चुका है तकरीबन,
अब हम इसके चपली कबाब बनाएंगे। पहले इसको गोल गोल कबाब बना लें, जितना पतला रखेंगे उतना ही मजे का बनता है। अगर आपको हाथ पे रखने से मुश्किल हो रहा है तो आप कोई प्लेट का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह ये हमारा तैयार हो गया। इसी तरह मजीद हम बना लेंगे। ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी कुकिंग कैसी लग रही है, मेरा चैनल कैसा लग रहा है आपको। अब हम इसके ऊपर टमाटर ऐसे रख देंगे। टमाटरों का स्लाइस कर लिया मैंने, इसको हल्का सा प्रेस कर देना होगा। अब हम इसी तरह सारे बना लेंगे चपली कबाब। अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक पैन रखा, उसमें ऑयल डाला। जब देखें कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है तो अब हम इसके अंदर अपने चपली कबाब डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से डालें कि टूटे ना। एक साइड हमारी लेगी कोई 3-4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे हम। आंच को ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए ना ज़्यादा हल्का। आप देख रहे हैं कि साइड आस्ता से पलटे। ये देखें हमें 3 से 4 मिनट हो गए तकरीबन मुझे एक साइड पकाते हुए। अब मैंने इसकी साइड पलट दी है। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब 3-4 मिनट और इसको दूसरी साइड पे फ्राई करें। ये देखें आपको लुक कितनी प्यारी नज़र आ रही है। साथ साथ हम बाकी भी फ्राई करते रहेंगे जो हमने बनाए हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। ये देखें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये मेरे चपली कबाब तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।